बहुत बेकार, मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि मुझे ट्रेलर पसंद नहीं आया था, पर मैं इम्तियाज़ अली की फ़ैन रही हूँ तो मैं इसलिए गई थी देखने, पर इतना डिसअपॉइंटिंग कि आई एम हर्ट बाय द फिल्म, मुझे इतनी बुरी लगी है बिकॉज मुझे उनकी पुरानी फिल्में पसंद थी और ये देख के मुझे लग रहा है कि इट्स आई डोंट फील ही इज द सेम गाय हुज मेड रॉक स्टार और सोचा ना था और लव आजकल. We are huge Imtiaz Ali fans. In fact, I think the reason we are married is because of him and his films. But then we saw this film, and I don't know. I'm very disappointed as a fan. I'm very disappointed. There's not a single place in the film where you feel something, and वो इम्तियाज की बहुत बड़ी खूबी हुआ करती थी, जहाँ वो लोगों को feel करवाते थे अपने characters के बारे में. आप लव स्टोरी के लिए feel नहीं कर रहे हैं, आप characters को लेके feel नहीं कर रहे, performances are pathetic. And that's also an understatement. So the film just does not work. It didn't work for us. It's also very confusing in what it really wants to say with the idea of love for today. Just didn't work. मुझे तो वैसे to be honest मुझे रणदीप हुड्डा का track बहुत अच्छा लगा. I think the 90s वाला जो track है, but the present day love story मुझे समझ में नहीं आया. Like it was मुझे conflict ही समझ में नहीं आया. Why was it? अगर वो दोनों आपस में आधा घंटा बात कर लेते तो शायद सेकंड हाफ ही नहीं होता फिल्म का, जो मेरा मानना है. बहुत अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करा है. एंड मुझे पता है इम्तियाज हमेशा इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि ये बात सच है. बट अगर आप एक ही कहानी को बार बार कहेंगे और उसमें कुछ इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है ऑडियंस के साथ. गाने वेस्ट हो गए. लवाज का साउंडट्रैक इतना अच्छा है प्रीतम का, जब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो शायद मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा है, जब रहूँगी तुम मेरी मुझे ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है. मुझे लग रहा है जब गाने जब स्क्रीन पे आ रहे थे तो कोई उनका प्रेजेंस ही नहीं था. आप मेरा ये मानना है कि आप 2020 का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, तो 2020 का ऑडियंस क्या लैंग्वेज बोलता है और कैसा प्यार करता है वो समझिए. इसीलिए इम्तियाज़ के जो पोर्शंस हैं 90-90 के वो बेटर लगते हैं, बिकॉज इट फील्स दैट देयर इज सम कनेक्ट. लेकिन 2020 में इट फील्स दैट ही इज टोटली डिसकनेक्टेड विद व्हाट पीपल ऑफ टुडे थिंक अबाउट लव. एंड इट्स सैड बिकॉज ही हैज इम्तियाज ने रीडिफाइन किया है लैंग्वेज ऑफ लव फॉर सो मेनी ऑफ अस हु आर इन आवर लेट 20s. बट पीपल हु आर गोइंग टू वॉच हिम टुडे आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज इतना रिग्रेसिव और इतनी प्रॉब्लमैटिक लव स्टोरी और कैरेक्टराइजेशन, दिस डज नॉट, वी डोंट डिजर्व दिस. दैट्स व्हाट आई फील. बहुत बुरे, बहुत ही बुरे. आई थिंक इस फिल्म में पहली बार काफ़ी, इमेजिन सारा का इतना इमोशनल सीन था तुम मुझे तंग करने लगे, बट बिकॉज वो जिस तरीके से सामने आता है इट्स सो फनी, एवरी वन इन द ऑडियंस वॉज लाफिंग एंड इट्स सैड, राइट. सारा अली खान वॉज सो गुड इन केदारनाथ एंड पीपल लव्ड हर. आई ऑल्सो वेंट विद दैट एक्सपेक्टेशन एंड शी वॉज पथेटिक एंड आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाई शी वॉज सो ओटीटी. पीपल वर लाफिंग व्हेन शी वॉज नॉट एबल टू क्राई इन एन इमोशनल सीन व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग बट इट्स नॉट लैंडिंग. एंड इमेजिन शी इज मेकिंग लुक कार्तिक आर्यन बेटर. दैट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन बिकॉज कार्तिक आर्यन इज अ वेरी लिमिटेड एक्टर और उनके जो वैसे ही जो भी फ्लॉज थे वो सारे इस फिल्म में एक्सपोज हो गए हैं. या आई थिंक काफी लग रहा था कि मे बी जेल ही नहीं हो रहा था, अब बहुत रश भी थी, डिडंट वर्क. या क्लियर लग रहा था दैट ही वाज ट्राइंग टू मिमिक रणबीर कपूर. बहुत क्लियर है कि वो एक रणबीर कपूर गाइड टू एक्टिंग है कि रणबीर कैसी एक्टिंग करते हैं इम्तियाज अली की फिल्मों में स्पेशली. तो वो ऑकवर्ड क्लमजी लवर का जो एक्ट है वो पूरा पूरा रणबीर की कॉपी लग रहा था एंड वाज अ बैड कॉपी. So I don't know. I really want ki Sara and Kartik, ye, as an audience I say please work towards your scenes. Yeah. Totally. I want to go back and watch Love Aajkal 1. Love Aajkal 1 mein bhi mujhe problems lage the, but that was far better a film for its time than what we got from Love Aajkal 2. I would say वो saving grace थे फिल्म के. वो अच्छे थे, वो हमेशा अच्छे ही होते हैं. उनका मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगा, जबकि उनको डायलॉग्स बहुत अच्छे दिए हैं, बट क्योंकि कहानी ओवरऑल ही इतनी बुरी तरीके से प्रेजेंट की गई है कि आपको वो भी बहुत बड़ी जगह पे मिसप्लेस लगते हैं कि ये क्यों है. राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम है. हाँ, मुझे एक सीन, मुझे एक्चुअली दो सीन काफ़ी अच्छे लगे. एक तो रहोगी तुम मेरी जो ट्रैक है वो ट्रेन में आता है
बहुत ही ब्यूटीफुली शूट किया गया, दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स. एंड ऑल्सो मेहरमा विच कम्स वेयर कार्तिक इज राइडिंग द बाइक एंड सारा इज बिहाइंड हिम, दोज टू सीन्स वर ब्यूटीफुली शॉट. ऑल्सो बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज सो वंडरफुल दीज टू सीन्स, बट बोथ आर सॉन्ग्स सो सेम एक्चुअली सेम. इनफैक्ट ये जो सीन बोल रहे हैं क्या कहते हैं, जब वो बाइक पे होते हैं तो सारा का कैरेक्टर इज ड्रंक, तो उनको संभालने के लिए कि वो बाइक से गिर ना जाए वो अपना हाथ उनके पीछे रखते हैं एंड एक हाथ से वो बाइक चला रहे हैं, सो दैट प्रोटेक्टिवनेस ऑफ अ लवर एंड बहुत टेंडरली और सॉफ्ट तरीके से इम्तियाज ने वो शूट किया. दैट्स अ क्लासिक इम्तियाज अली. वही हो रहा है जब जब आई थिंक परफॉर्मेंस जब लैंड नहीं होती है तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते, एंड जब लोग कनेक्ट नहीं कर रहे तो वो शायद हंसते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. कोई कैरेक्टर हिस्ट्री नहीं है. कार्तिक का कैरेक्टर इतना ऑकवर्ड क्यों है वो इम्तियाज ने कोशिश भी नहीं करी कि वो बताया जाए. वो इतना आइडियलिस्टिक कैसे बना, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है. सारा को सडनली इतना इश्यूज कैसे होने लगते हैं पब्लिक में, इम्तियाज अली डिड नॉट शेड लाइट ऑन दैट, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था. बिकॉज एंड जब आपके पास एक्टर्स वीक हों तो कैरेक्टर डेवलपमेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अगर यही आप एक रणबीर दीपिका को देते थे और फिल्मों में जहाँ पे वीर इम्तियाज की क्रिटिसिज्म हुआ है, बट वो एक्टर्स इतने मंझे हुए हैं कि वो अपने साइलेंसेस में भी आपको समझा जाते थे. सो माई पॉइंट इज कि व्हेन यू हैव सच यंग अन इनएक्सपीरियंस एक्टर्स एंड यू आर नॉट दैट ग्रेट विद इमोशंस, देन यू नीड बेटर कैरेक्टराइजेशन. सो नथिंग लैंडेड इन दिस फिल्म प्रॉपरली. फिल्म ठीक है, ठीक है, मतलब अभी का जो यूथ वर्ग है जो ऐसी कंटेंट वाली मूवी फिल्म पसंद कर रहे हैं तो युवा वर्ग के लिए बेहतरीन फिल्म है. थोड़े से जो ओवर एज हैं या क्या बोलना चाहिए बुद्धिजीवी वर्ग वालों को थोड़ा ऑड लगेगी मूवी, लेकिन यूथ के लिए बहुत अच्छी फिल्म है. कार्तिक आर्यन तो जैसे सदा से एक्टिंग करते आ रहे हैं वैसे ही ये नेचुरल, लेकिन सारा अली खान को बोलना चाहूँगी कि एक स्पेशल पैकेज में आई है, बहुत सुंदर एक्टिंग की है. पाँच में से मैं 3 स्टार देना चाहूँगी. इम्तियाज अली खान जो पहले उनकी लव आजकल थी और जो पहले मूवी बनती है उसी बेस पर ही ये मूवी बनी है, बस इसमें थोड़ा सा रोमांच ज़्यादा है. ठीक ठाक है एक्टिंग, जो एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ है नहीं. 80s का दिखाया ओके था, जो भी दिखाया 80s के भी दिखाए जो लोगों ने ओके था, इससे तो पहली वाली बहुत बेटर थी लव आजकल, हमको इतनी पसंद नहीं आई. देखो बाप बाप होता है बेटी बेटी होती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन इतनी पसंद नहीं आई. वैसे देखेगा तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस मूवी में अच्छी नहीं लगी उनकी एक्टिंग ना. दोनों वो जो चार्मिंग बॉय है जो उसकी जो मतलब केमिस्ट्री है वो चीज़ इसमें हमको अच्छी लगी नहीं है. 2.5. सर कैसी लगी मूवी लव आजकल? मूवी इज गुड, सारा अली खान इज टू गुड एंड इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों स्क्रीन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं. फिल्म में थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, जो डबल रोल जैसा है उसमें थोड़ा कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है, बट रेस्ट ऑफ द एक्टिंग वाइज इज टू गुड, इट इज़ अ वेल मेड फिल्म. ओ एज ए ऑडियंस आई विल गिव यू 3 स्टार, एज ए क्रिटिक आई विल गिव यू 2.5. सॉरी काफ़ी सारे सीन्स है बट आई जस्ट कांट पिन पॉइंट एनी ऑफ द सीन. बहुत अच्छी है, आई टोल्ड यू दिस इज सीज़ 2. थैंक यू सर. कैसी लगी मूवी लव आजकल? अच्छी मूवी, बहुत अच्छी लगी. जी जी अच्छी, बहुत अच्छी. कार्तिक और सारा की केमिस्ट्री कैसी लगी? दोनों की अच्छी है, बहुत अच्छी. और सारा का एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम लगा हुआ, बहुत अच्छा है हर तरह से, हर तरह का एक्सप्रेशन जो भी उसका एक्सपीरियंस और सिस्टम है, एक्टिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लाजवाब एक्टिंग है. वो था ना कौन सा, वो जब सारा अली खान कहती है ना कि अब तुम मुझे तंग करने लग गए, वो फिल्म में काफ़ी अच्छा सीन लगा और टर्निंग पॉइंट लगा. कौन सा लुक पसंद है? 90s बाद वाला ज़्यादा अच्छा लगा, पहला वाला थोड़ा स्लो. सॉन्ग्स तो एक ही है, एक या दो है, सॉन्ग इतना है ठीक है, लेकिन अच्छा है. इम्तियाज अली की वजह से सॉन्ग्स अच्छे होते हैं, इसमें सॉन्ग्स है ही नहीं ज़्यादा, दो ही सॉन्ग है मेरे ख्याल. 5 में 4.
अच्छी है फिल्म, एक्टिंग सब कलाकारों ने अच्छी की है, 3 स्टार्स होंगे।